ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो भैया रजत दलाल ने तो एकदम से बवाल काट दिया। जिस शानदार तरीके से रजत दलाल ने शहजादा को करारा जवाब दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। वहीं इसके अलावा बात करें तो रजत दलाल भाई इतना बॉडी बिल्डर आदमी, उसके आगे शहजादा की तो एकदम बोलती बंद हो गई। लेकिन जिस तरीके से लोग रजत दलाल को सपोर्ट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा देखने बनता। लेकिन एक बात तो यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जिस तरीके से सलमान खान भाई इस समय बिग बॉस 18 में काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात करें तो कुछ सारे ऐसे मैटर होते जा रहे हैं, शायद बाबा सिद्दीकी का मैटर उनके काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है। शायद इसी कारण को देखते हुए जिस तरीके से सलमान खान भी बिग बॉस 18 में उतने ज्यादा सक्रिय तो बिल्कुल भी नहीं दिखा दे रहे, और उनका एक बयान भी जारी हुआ था कि सलमान खान शायद बिग बॉस 18 में नजर नहीं आना चाहते, लेकिन कमिटमेंट उन्होंने कर दिया है तो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ही वे बिग बॉस 18 सीजन में शिरकत कर रहे हैं। तो क्या आप लोग भी हमारी बात समझते, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। वही भाई, एक भाई का कहना है कि बाहर देखने की बात कर रहा है, इसको पता है कि वह रजत भाई के कॉन्टेक्ट। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, रजत भाई के इतने सारे कॉन्टेक्ट और उनकी कंट्रोवर्सी को देखते हुए कोई भी रजत भाई को क्या बाहर मिलने के लिए बुलाएगा। वही इसके अलावा एक भाई का कहना है, सिस्टम है रजत भाई का, इस शहजादे को बीच में फाड़ देगा रजत भाई। बिल्कुल सही, रजत दलाल को तो एकदम से जलवा है जलवा। इसके अलावा एक भाई साहब का कहना है कि रजत भाई बब्बर शेर की तरह लगता है, जब गुस्सा होता है तो एकदम से दहाड़ मारता है। यह बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिग बॉस 18 सीजन में जिस तरीके से रजत दलाल की बॉडी है उनके टक्कर में तो कोई भी नहीं है। शायद इसी कारण बिजनेस भी उनसे काफी ज्यादा पीछे खिंचते नजर आते हैं। आज कोई लुभाई वाली हरकतें मत करना। कब की यार मैंने। भाई क्या दिखाना भैया, वो दिखाना भैया, पिंक है क्या? लौंडो का तो बिल्कुल भी जवाब ही नहीं है यार, ये जरा देखना क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सास और नंद ने जीना हराम कर रखा है। अच्छा यार, तुम्हारे पास 1000 रुपए होंगे क्या? नहीं मेरे पास नहीं है। यार हो तो दे दो यार। मेरी सास और नंद ने जीना हराम कर रखा है। प्लीज नहीं, मेरे पास है शाबाश बेटा। अरे बजावा था पापो, एकर किस्त कब जमा करबे? कैसन किस्त हटा कैसे? अरे गाड़ी किस्त बना है कौआ बजाया है काऊ काऊ। HDFC बैंक से आई गई हरे हरे पर से। HDFC बैंक से ठीक है। तो गाड़ी वा खड़ी बाटे जे लेके झूठा जगह रहे छे बा। आजकल इंश्योरेंस कंपनियों वाले को भी एकदम से झटका लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोन बांटती है, और लोन लेने में अगर आदमी तगड़ा दिमागदार वाला हो तो लोन निकलवाने में एकदम से हालत खिसक जाती है। झूठा जगह रहे छे बा, इतम नहीं फाइनेंस कराओ बताते। अरे बाप रे, अब तो एक कर 500 ना मिले। बड़ा हरामी हो बेटा। गलत तो नहीं हुई रे, मैं भिखारी नहीं है, मैं इंजीनियर है रे। लौंडो को तो बिल्कुल जवाब नहीं, भिखारी पे 1 रुपया और इंजीनियर पे 10 रुपया। भाई इंजीनियर इतने भी गरीब नहीं है भाई, भिखार तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मम ऑफ द ईयर। यही नहीं, ये और सुनिए, आयो रे मां मेरे सपनों के काफी तगड़ा रिएक्शन भी हम लोगों को मिलता है। यार एक बार पूछा तो सही, सारी खा जाऊंगा भाई। छोटा सा मेरा जहां है। हाँ भाई। भाई मुंह दर को कर ले, खाया हुआ पचने का ना। भाई वाला एकदम से वक्त बदल दिया। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। तुम लोग भी टॉफी खाओगी? हाँ हाँ हम भी खाएंगे। मैं भी खाऊंगी। मेरे साथ रहोगी तो बस ऐश ही ऐश है। अजय रहा करो, खाओ पियो, यही जिंदगी है। लो
तुम भी लो, बड़ा वाला दे रहा हूँ। शर्माया मत करो खाने पीने के मामले में, खाओ खाओ बढ़िया करो। हे राजा जी, भाई साहब, तो कौन सा मीन आप लोगों को काफी जबरदस्त लगा वीडियो में कमेंट करके बताना, बिल्कुल ना भूलें।